हेलो नमस्ते नमस्कार, वेलकम टू स्टडी टेलर था हार्दिक परमार। आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम ग्राम न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम न्यायालय क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम न्यायालय का जुरिस्डिक्शन क्या है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसको पावर कहाँ से मिलती है, इसके संबंधित जो एक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या ये एक स्टेच्यूटरी बॉडी है, क्या यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इन सभी की चर्चा हम करेंगे। और यह ग्राम न्यायालय है वो अभी चर्चा में क्यों है, इन सभी चीज़ों का कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डेप्थ एनालिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे। सो आई एम द हार्दिक परमार एंड लेटेस्ट स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस। तो ग्राम न्यायालय के बारे का यह वीडियो आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो मेरी यह एक आशा है कि सबसे पहले यह वीडियो शुरू करें उससे पहले आप यह एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। यह जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बताना है, ग्राम न्यायालय के साथ संबंधित नीचे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। नीचे क्या तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इन तीन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। करेक्ट यहाँ पर लिखा है तो इसको मैंने हाईलाइट भी किया है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट कैन लिसन ओनली सिविल मैटर्स, यानी कि यह जो ग्राम न्यायालय है वह सिर्फ सिविल मैटर्स ही, यानी कि जो दीवानी सत्ता है, दीवानी केस है, उसी को लिसन कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, द ग्राम न्यायालय आर हेडेड बाई जजिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ग्राम न्यायालय जो होती है उसको हेड किया जाता है, उसका चेयरमैन होता है कौन, तो कि जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज होता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इट वर्क्स अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट, यानी कि जो ग्राम न्यायालय होती है वह द ग्राम न्यायालय एक्ट के अंतर्गत कार्य करती है। तो यह क्वेश्चन है, तो आशा करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा, या फिर अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के अंदर में यह सभी चीज़ें हम डिटेल से चर्चा करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, और लास्ट में भी इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर यह सभी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाई इन न्यूज़, यानी कि यह जो चीज़ है ग्राम न्यायालय यह चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दे दिया है कि सभी राज्यों में ग्राम न्यायालय बनाई जाए। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई है, राज्यों को डांटा है, डांट कर बोला है कि ग्राम न्यायालय बना दो, सभी जगह पर ग्राम न्यायालय बना दो। तो यह रूलिंग भी किसने दी है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस एन वी रमन्ना। बराबर, अगर आप एक दिन की जो एग्जाम होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो एन वी रमन्ना जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत की सर्वोच्च अदालत जो कि इंडिया की एपेक्स कोर्ट है, तो वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के अंदर है, 124 नंबर की कलम के अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, यह भी आपको पता होना चाहिए, तो वो अभी है शरद बोबडे। तो यह भी पता होना चाहिए। आगे देखते हैं ग्राम न्यायालय के बारे में, तो व्हाट वाज द इश्यू, यानी कि ग्राम न्यायालय से संबंधित इश्यू क्या था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी स्टेट को फटकार लगाई कि आप ग्राम न्यायालय बना दो, तो ऐसा क्यों उन्हें बोलना पड़ा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ बताना नहीं होता कि आप ये करो वो करो, स्टेट को अपनी तरीके से ही समझना होता है कि हमें यह करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा क्यों, क्योंकि सो फार ओनली 11 स्टेट, यानी कि सिर्फ 11 स्टेट ही ऐसे थे जिन्होंने ग्राम न्यायालय बनाई थी और ग्राम न्यायालय बनाने का जो स्टेप था उसको नोटिफाई किया था। तो अभी आपको पता होगा कि हमारे देश में 28 स्टेट है, लेकिन 28 में से सिर्फ 11 स्टेट ने ही बोला था, 11 स्टेट ने ही ग्राम न्यायालय बनाई थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मजा नहीं आया और उन्होंने बोल दिया, सभी राज्यों को फटकार लगा दी कि सभी राज्यों में यह ग्राम न्यायालय बनाओ। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि केरला, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे जो स्टेट है, केरला, महाराष्ट्र और राजस्थान, वह ग्राम न्यायालय के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, यानी कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसके बारे में, ग्राम न्यायालय के बारे में। लेकिन बाकी के जो राज्य है उन्होंने तो अभी बनाया भी नहीं है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो यह जान लेते हैं कि ग्राम न्यायालय इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ग्राम न्यायालय शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह एक प्रकार की विलेज कोर्ट है। तो यह इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहले के ज़माने में जब राजा हुआ करते थे, या फिर पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो क्या होता था कि जो केस होता था तो वो आपस में ही सुलह करके, आपस में ही समझा कर उसका समाधान कर लिया जाता था, और जो केस है उसको कोर्ट तक नहीं लिया जा सकता था। तो इसी प्रकार यह ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट है कि ग्राम न्यायालय में क्या होता है कि आपस में ही जो गांव के अंदर, गांव होता है उसी के अंदर न्याय किया जाता है। आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि जो ग्राम न्यायालय है वह लोक अदालत नहीं है, लोक अदालत के अंदर समाधान कराने का कार्य होता है, लेकिन ग्राम न्यायालय होती है यहाँ पर न्याय देने का कार्य होता है। यह भी पता होना चाहिए, ग्राम न्यायालय और लोक अदालत दोनों ही अलग अलग है। तो
मैंने आपको बोला कि ग्राम न्यायालय क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राम न्यायालय अगर स्थापित जाएगी तो गांव के अंदर न्याय का न्याय लोगों को जल्दी से जल्दी मिल पाएगा, और उसी की वजह से क्या होगा, अगर गांव में ही लोगों को न्याय मिल जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होगी, तालुका लेवल की जो कोर्ट होगी, हाईकोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर जो जो केस है वह जो पेंडिंग केस रहते हैं उसके उसका जो नंबर है वह डिक्रीज होगा, वह कम होगा और गांव के अंदर ही लोगों को न्याय मिल जाएगा। और दूसरा एक कारण यह भी है कि गांव के अंदर जो लोग होते हैं वह ज़्यादातर पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो अगर तो फिर उनको यह भी नहीं पता होता है कि कहां पर जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, तो इससे अच्छा है कि अगर गांव में ही न्यायालय बन जाए तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो यह हमने देख लिया कि क्या जरूरत है। आगे देखते हैं, अभी यहाँ पर यह भी एक इम्पोर्टेंट डेटा दिया गया है कि ओनली 208 यानी कि 208 ग्राम न्यायालय ही अभी फंक्शनिंग में है पूरे देश, भारत जो कि पूरा देश है, भारत देश के अंदर सिर्फ 208 ग्राम न्यायालय है, जबकि 12th 5-year प्लान था, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें बोला गया था कि 2500 ग्राम न्यायालय बनाने का निश्चय किया गया था, लेकिन उसके हिसाब से अभी 208 ग्राम न्यायालय ही है, यानी कि एक प्रकार का फेलर है, असफल हुई है सर, ठीक है। तो यह अभी पता होना चाहिए कि 2500 बनानी थी, उसके सामने से 208 है। आगे का डेटा देखते हैं कि व्हाट आर ग्राम न्यायालय, कि ग्राम न्यायालय क्या है, तो ग्राम न्यायालय क्या है, तो यहाँ पर बताया उसकी एक डेफिनेशन एक अच्छी तरीके से दी गई है, तो यह एक प्रकार की विलेज कोर्ट है। आप लोगों ने सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो यह उसी प्रकार की एक विलेज कोर्ट है। विलेज कोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया, इसको लोक अदालत के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि लोक अदालत में सिर्फ समाधान किया जाता है, दो पार्टी के बीच में समाधान ही किया जाता है, सुलह किया जाता है, लेकिन इसमें तो जस्टिस यानी कि न्याय देने का कार्य किया जाता है। अभी यह जो ग्राम न्यायालय है वह किस तरीके से बनाई जाती है, तो ग्राम न्यायालय जो है वह ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का जो एक्ट है, कौन सा एक्ट, ग्राम न्यायालय एक्ट, उसके हिसाब से इसे बनाया जाता है, यानी कि एक एक्ट के हिसाब से यह काम करती है, तो इसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी बोल सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी यह था। तो बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब होगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन है तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, लेकिन अगर स्टैट्यू यानी कि लॉ यानी कि कोई कायदे के द्वारा बनाई गई है जो कि यह ग्राम न्यायालय है, तो वह स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। स्टैट्यूट जो है उसका मतलब ही होता है लॉ यानी कि कायदा, तो ग्राम न्यायालय क्या है, एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यह भी हमें पता चल गया कि ग्राम न्यायालय 2008 के हिसाब से कार्य करती है और स्टैट्यूटरी बॉडी है। आगे देखते हैं कि यह एक्ट कब आया गया था, तो यह जो एक्ट है वह 2 अक्टूबर 2009 उस तब लागू किया गया था, 2008 का एक्ट था लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था, जो कि गांधी जी का जन्मदिन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अभी देखते हैं कि जो यह ग्राम न्यायालय है वह कार्य कैसे करती है, उनका फंक्शनिंग कैसे होता है, उसका कार्य पद्धति कैसी है, तो उसका हेड कौन होता है, मतलब कि हम जैसे कि देखते हैं कि उसका मुख्य जज कौन होता है, उसका प्रिसाइड कौन करता है, ग्राम न्यायालय होती है तो उसमें मुख्य जज होता है, मुख्य जज उसे बोलते हैं न्याय अधिकारी, क्या बोलते हैं, न्याय अधिकारी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण यह टर्म है, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ग्राम न्यायालय में जो हेड होता है यानी कि जो मुख्य अधिकारी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, न्याय अधिकारी बोलते हैं, और जो न्याय अधिकारी है तो उसको सत्ता भी दी गई है, कैसी सत्ता दी गई है, तो न्याय अधिकारी जो है वह वही सब सैलरी और बेनिफिट एंजॉय करेगा जो कि एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ नाम का जज बोल दिया है, नाम का न्याय अधिकारी बोल दिया है, उसको जुडिशियल फर्स्ट क्लास का जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसके हिसाब से सैलरी और अलाउंस और बेनिफिट दिए जाएंगे। तो एमसीक्यू में यह भी पूछा जा सकता है कि ग्राम न्यायालय को अपॉइंट प्रिसाइड कौन करता है, उसमें मुख्य जज कौन होता है, तो न्याय अधिकारी, और उसको किसके समान हक और अधिकार वह सब मिलते हैं, तो यह भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के हिसाब से। अभी दूसरा क्वेश्चन यह होता है कि न्याय अधिकारी जो कि उसका बॉस है, उसका मुख्य है, तो ग्राम न्यायालय का बॉस कौन है, तो न्याय अधिकारी, तो उसको अपॉइंट कौन करता है, तो उसको अपॉइंट करने का कार्य करती है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार उसको अपॉइंट करती है, लेकिन अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करती है, उसके लिए कंसल्टेशन करती है, चर्चा विचारणा करती है, किसके साथ, हाईकोर्ट के साथ चर्चा विचारणा करने के बाद यह कार्य करती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि यह जो ग्राम न्यायालय है उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो पूरे देश में कहीं भी न्याय देने का कार्य कर दे, तो यह उसकी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि कार्य क्षेत्र भी नक्की किया गया है, तो कौन सा एरिया है, कौन से एरिया में यह ज्यूरिसडिक्शन कार्य क्षेत्र होगा, तो एरिया स्पेसिफाइड बाय अ नोटिफिकेशन बाय स्टेट यानी कि राज्य नक्की करेगा, और राज्य भी अपने हिसाब से नहीं नकी करेगा, लेकिन राज्य हाईकोर्ट के साथ कंसल्ट करके नकी करेगा कि यह गांव का जो एरिया है वहीं पर वही आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, तो यह भी पता होना चाहिए कौन नकी करेगा, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और हाईकोर्ट के साथ मिलके
नक्की करेंगे कि यह कौन सा आपका एरिया है जहाँ पर आपको ज्यूरिस्डिक्शन देने हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है। यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि जो ग्राम न्यायालय है, ग्राम न्यायालय वह मोबाइल कोर्ट के तरीके भी वर्क करती है। मोबाइल कोर्ट यानी कि हरती फरती कोर्ट, हरती एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली जो कोर्ट होती है उसे मोबाइल कोर्ट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट में यह भी दिया जा सकता है कि ग्राम न्यायालय ऑल्सो एक्ट एज अ मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली कोर्ट उसकी तरह भी वर्क करता है। तो ग्राम न्यायालय एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, यहाँ पर यही लिखा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था उसमें दिया गया था, वो दिया गया है कि ग्राम न्यायालय जो है वह सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केस को हैंडल कर सकती है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि यह लोक अदालत से अलग है। तो लोक अदालत से अलग कैसे है, तो लोक अदालत जो है वह सिर्फ सिविल केस ही हैंडल कर सकती है, लेकिन ग्राम न्यायालय दोनों केस हैंडल कर सकती है, यह भी पता चल गया। फिर दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि अगर किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है तो उसमें जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दिया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो जो चीज़ दी गई है वही हम एविडेंस यानी कि सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं। अगर कहीं केस चल रहा है तो वहाँ पर हम क्या एविडेंस के रूप में, सबूत के रूप में वही चीज़ें पेश कर सकते हैं जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। लेकिन ग्राम न्यायालय को उससे छूट दी गई है। ग्राम न्यायालय में अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई चीज़ नहीं दी गई है उसको पेश करते हैं सबूत के रूप में, तो अभी चल सकता है। तो भी स्टेटमेंट में रूप में आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि ग्राम न्यायालय जो है वह स्पेशल प्रोसीजर सिविल मैटर में अपनी तरीके से स्पेशल पावर को स्पेशल प्रोसीजर प्रक्रिया कर सकते हैं। फिर ग्राम न्यायालय जो है उसको डिस्प्यूट और सेटलमेंट के लिए फर्स्ट इंस्टेंट यह सब कुछ भी वह कर सकते हैं, यानी कि सलाह सूचन वह सब कर सकता है। उसके आगे देखते हैं, अगर जो न्याय मिला है, ठीक है, किसी इंसान को न्याय मिला है तो अगर उसको उसके ऊपर अपील करनी है, अगर कोई इंसान है वह ग्राम न्यायालय का जो चुकादा है उससे संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है, तो वह एक मंथ के अंदर अंदर अपील कर सकता है। तो अपील कहाँ कर सकता है, अगर क्रिमिनल केस तो वह सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है। और सेशन कोर्ट के पास भी एक चीज़ है कि सेशन कोर्ट है उसको भी 6 महीने के अंदर अंदर इसका समाधान लाना जरूरी है। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्रिमिनल केस है तो सेशन कोर्ट में अपील करनी है और सेशन कोर्ट को भी 6 महीने के अंदर अंदर उसका निपटारा करना यानी कि केस को ख़त्म करना जरूरी है। और अगर क्रिमिनल केस तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर क्रिमिनल केस तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो यह आपको पता चल गया होगा। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट थिंग थी उनके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। तो एक बार फिर से हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया है कि इट कैन ओनली लिसन सिविल मैटर्स। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि क्रिमिनल जो केस है उसे भी सुन सकता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट था कि ग्राम न्यायालय आर हेडेड बाई जज ऑफ हाईकोर्ट। तो दूसरा गलत है, हाईकोर्ट के द्वारा उसे चेयर नहीं किया जाता बल्कि न्याय अधिकारी के द्वारा चेयर किया जाता है। फिर तीसरा है कि ग्राम न्यायालय एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है, तो तीसरा सही है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 3। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट माहिती थी वह हमने इस वीडियो में ले ली है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को। सो आई द हार्दिक परमार साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। तो आज इस पोएम के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। हो रही है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए यह लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी लेकिन आग चलनी चाहिए, आग चलनी चाहिए, आग चलनी चाहिए।